कहाँ से आ रहे हो? जन्नत है वो आपके लिए, हमारे लिए। क्या नाम बताया आपका? मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली सर, राइट योर एड्रेस। या या सर। इतना मुझे आइस पूरी श्रीनगर में नहीं मिला, ना कश्मीर में मिला। यकीन नहीं करोगे हमने कितने कॉल्स में लिया। इन लोगों ने एक एक बंदे का 6,000 रुपये बोला, और किया कितने में गेस तो करो यार। सो गाइस, सोनमर्ग में मैंने ये वाला होटल लिया था। ये मुझे टोटल पड़ा 2200 रुपये का फॉर वन नाइट 3 पीपल। और ये हमारे रूम की एंट्रेंस थी, इसमें आप देख सकते हो वुडन से बना हुआ है, पूरा वुडन में था। अभी लाइट नहीं है वरना ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता। ये रूम का पूरा डिज़ाइन देखो आप। सलमान यहाँ सोया था, क्यों मैं और साहिल इस पर सोए थे। ये बेड की साइज़ चौड़ाई भी काफ़ी इनफ साइज़ की है। और यहाँ से व्यू जो है ना, डायरेक्टली वो ग्लेशियर दिखता है यहाँ से। ये इसके बाथरूम की एंट्रेंस है। ये WC था, इसमें वॉश बेसिन और नहाने के लिए शावर भी है। और चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। कैसे हो? बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? सब लोग खैरियत से? बढ़िया एकदम। हम लोग रात में यहाँ पे सोनमर्ग में पहुँचे थे, और ये वो होटल है जहाँ पे हम रात में स्टे किए थे, सोनमर्ग होटल एंड रेस्टोरेंट। और हमने डिनर भी यहीं पे किया, इनका डिनर भी बहुत अच्छा था। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अब हम जाएंगे 0 पॉइंट की तरफ, और फिर वहाँ से हम लोग कारगिल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा आज का स्टे कारगिल में है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है मार्केट का, ये आपको खाली खाली लग रहा है, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। और हम लोग यहाँ पर पोनी लिया था ग्लेशियर पे। टेम्परेचर भी 6 डिग्री है, और बारिश भी ज़्यादा हो रही है, रात में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो चलो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाजू वाले शाह जनरल स्टोर है, इसके नीचे चाय मिल रही है, तो हम लोग यहाँ पे चाय लेंगे, और चाय पीने के बाद निकलेंगे, क्योंकि चाय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। यहाँ पानी भी पियो ना तो एकदम बर्फ़ का पानी लगता है, इतना ठंडा रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो अब थोड़ा गले को गर्म रखने के लिए चाय पीना ज़रूरी है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। तो चलो अब हम निकल रहे हैं, और अभी सलमान टायर फिल कर रहा है, क्योंकि टायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अब पंचर ना हो होपफुली, आगे चेक कराएंगे। गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो गई, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, और ये पूरा मडी एरिया है, तो इसकी वजह से गंदी हो गई है। हेलो गाइस, बाय बाय फ्रॉम सोनमार्ग। तो ले का परमिट ले लिया, रात में ही लिया, मुझे टोटल 1500 रुपये पड़ा 3 लोगों का, और मैंने उसमें सारे पॉइंट्स पे चेक इन कर दिए है। उसके लिए भी ना आपको परमिट लेना होगा, तो सिर्फ जाके गूगल पे आपको लिखना है ले परमिट पास, तो आपको वेबसाइट आ जाती है, वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन रहता है। तो बस आप डोमेस्टिक सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है, जो भी मेंबर्स आपके साथ में जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, लेह में एंट्री करने के लिए पर पर्सन की एंट्री करनी पड़ती है। कुछ भी ऑफलाइन मत लेना गाइस, ऑफलाइन में बहुत धंधेबाजी होती है। ऑफलाइन जाएंगे तो बहुत सारे एजेंट हैं जो आपको 4,000, 5,000, 6,000 तक बोलते हैं, तो ये गलती आप मत करना। ऐसे ही बने रहना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब चैनल होना चाहिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहे ऐसे ही। और कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, तो सब मुझे बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वो कवर करने का। ऑनलाइन कपड़े वगैरह मैं सेल करता हूँ USA और यूरोपियन मार्केट में। हाँ हाँ, सर कहाँ रहते हो? बॉम्बे में सर, न्यू मुंबई। बॉम्बे में तो कपड़े सस्ते हैं ना, सूरत में सस्ते, सूरत से कपड़े सस्ते आते हैं, उससे काम वगैरह जो होता है ना वो मुंबई में करवाते हैं, फिर उसको हम लोग एक्सपोर्ट USA वगैरह में करते हैं। कितने साल आपको बिजनेस करते हैं? ये बिजनेस में सर समझ लो मैं 2014 से कर रहा हूँ। ये तो चाय प्लस चाय है क्या? हम लोग ये मतलब बनाना वगैरह नहीं करते, चाय वगैरह चाय वगैरह बना लेते। खाना वगैरह कैसा है? खाना वगैरह हमारी गाड़ियों से। अच्छा, गाड़ियों से आ जाता है आपका खाना? कहाँ से आ रहे हो? ओके, तो मतलब डे नाइट ड्यूटी यहीं पे रहती है या चेंज होता रहता है? डे नाइट यहीं रहती है, इन वादियों में कश्मीर की। हाँ, ये बात तो सही है। एक्चुअली ना ये सच में बोलो जन्नत वाली फीलिंग देता है, जन्नत है वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं। यहाँ कबूतर दिखाई नहीं देते हमारे को, 24 आवर्स रहते हैं। आप 2 घंटे के लिए हमारे? 2 घंटे के लिए हैं। हाँ, एक्चुअली सर कैसा है ना, आप लोग से मिलकर सच में अच्छा इसलिए भी लगता है ना, आप लोग मतलब यहाँ पे किसी से मिलना जुलना होता नहीं आप लोगों का, एक हम लोगों की सेवा के लिए आप लोग खड़े हो 24 घंटा ऐसा है। अगर आप लोग ना होते ना तो हम सो नहीं पाते,
अभी क्या न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है ऐसे वैसा, लेकिन जब मिलते हैं ना तो एक अलग फीलिंग आती है। कभी बॉम्बे वगैरह आते हो कि नहीं आते हो? बॉम्बे आप बुलाओ तब आएंगे हमारा घर। जब भी सर आपको छुट्टी मिलता है बोलो आ जाओ बॉम्बे घुमाता हूँ सर। तो बॉम्बे नंबर ले लो ना सर, कभी भी सर आना हो प्लीज़ एक बार फ़ोन कीजिए, मिलते हैं। क्या नाम बताया आपका? मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली सर, राइट योर एड्रेस। चलो सर ये लीजिए। चलो सर माय डियर, हैप्पी जर्नी। चलो सर जी, आई एम थैंक यू, नाइस टू सी यू। चलो सर, चलिए सर, चलो सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ योर बॉडी, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी फैंटास्टिक। या थैंक यू सर, आप मिले हमसे, आपने थैंक यू। इन व्हिच क्लास डू यू रीड? 11 11। यहाँ क्या कर रहे हो? ये लो ले लो ले लो ले लो ले लो, पढ़े तू। चलो बाय। फाइनली जीरो पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और मैं जीरो पॉइंट पे हमारी गाड़ी तक आ चुकी है एकदम एंड तक, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है। हाँ, ये और बात है कि थोड़ा गंदा स्नो है। ये गंदा स्नो इसलिए हो गया है ना क्योंकि जब यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलती रहती है ना धूल मिट्टी होता है इसकी वजह से, और स्नो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखो ऊपर में तो पूरा स्नो ही स्नो है। और अभी हम ना जोजिला पास पे, जोजिला पास में है, श्रीनगर ले हाईवे पे आता है, और यहाँ पे काफ़ी सारा टूरिस्ट आते हैं। बट ये बात आप समझ लो, प्राइवेट गाड़ी का मज़ा ही कुछ और है, और हम यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी से आए तो ये हमें एक स्पेशल बेनिफिट हो गया है। माय गॉड, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसका एल्टीट्यूड है 15,000+, तो मैं ज़मीन से 15,000 फीट ऊपर हूँ मैं, और यहाँ के पहाड़ देखो आप, कितना ऑसम है गाइस। मौसम देखो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और इतना मुझे आइस पूरी श्रीनगर में नहीं मिला, ना कश्मीर में मिला, ना गुलमर्ग में मिला, ना सोनमर्ग में मिला, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये ज़ीरो पॉइंट पे मिला। और ज़ीरो पॉइंट पे यूनियन की गाड़ी आती है, अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो वो आपको 4,000-5,000 चार्ज करते हैं, डिस्काउंट के बाद फाइनल 1,800 तक आ जाता है। ठीक है, एक गाड़ी पर हेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये ध्यान में रखना आप लोग। और ऊपर जाने का मन कर रहा है लेकिन ना थकावट काफ़ी हो रही है, सांस ज़्यादा मिलता नहीं है, ये दिक्कत होती है। आइस को करीब से देखो आप, we'll be right back.
गाइस हम लोग यहाँ पे स्लेजिंग कर रहे हैं। हमने गुलमर्ग में स्लेजिंग किया 500 रुपीज पर हेड देकर। गुलमर्ग में थाजीवास ग्लेशियर के पास इन लोगों ने फाइनल 200 रुपीज बोला, और आपको पता है जीरो पॉइंट में कितने में कर रहे हैं? 50 रुपीज पर हेड। वहाँ रोड है जब बहुत सारी गाड़ी लगी, आप देखोगे अगर, तो वहाँ पे हमें 2000 रुपीज़ बोला गया, और हमने साफ साफ मना कर दिया करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। और अब ये सामने से बोल रहा है चलो 50 रुपीज़ पर हेड, तो हमने कर लिया। जस्ट गिविंग एक्सपीरियंस। आप सब ना मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और जब भी यहाँ हो ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाना। सो गाइज वी आर डूइंग ब्रेकफास्ट ऑन जीरो पॉइंट, और ब्रेकफास्ट में देखो क्या क्या हमने ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया है, चाय है और मैगी। मतलब यहाँ का मैगी तो स्पेशल डिश ही हो गया एक तरह से, जिस भी पॉइंट पे जाओ मैगी आपको मिलेगा, और खाने का मज़ा भी कुछ और। अभी हम लोग ATV करेंगे, ATV यहाँ लगी हुई है, देखते हैं कैसा राइड रहता है। तब बहुत मज़ा आ गया, अगर मैं बोलूँ ना तो कश्मीर का बेस्ट ट्रिप मेरा यहाँ का हुआ जीरो पॉइंट का। सो यार यहाँ ज़रूर विजिट करना। स्टेडी गो। अरे जबरदस्त है यार, डू योर बेस्ट। देखा मैंने भी ATV किया यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और आप यकीन नहीं करोगे हमने कितने कॉस्ट में लिया। इन लोगों ने एक एक बंदे का 6000 रुपये बोला। आई कांट टेल यू, बहुत तेज हो रहे हैं। और किया कितने में गेस तो करो यार, गेस करो। हम तीनों ने 500 रुपये में किया, ओनली 500 रुपीज़। मतलब यार इतना बार्गेनिंग होता है, हमने तो सीधा सीधा मना कर दिया करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। वो खड़े रहा भाई नहीं करना है मुझे, मैं कर चुका हूँ। बहुत बोला, बोलता भाई कितना दोगे? मैं बोला 100 रुपये दूंगा भाई, उसके ऊपर नहीं दे सकता, हमारी औकात ही नहीं है। बोला चलो ठीक है 200 दे दो। मैं बोला नहीं 200 भी नहीं, एक काम करो मैं आपको 500 रुपीज़ दूंगा टोटल 3 बंदे का, करना तो करो नहीं तो प्लीज़ आप जाओ डिस्टर्ब मत करो। जा रहा था फिर घूम के आ गया, बोल रहा ठीक है चलो भाई लेके चलता हूँ, आप लोग हमारे मेहमान हो, मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं कर सकता। मैं अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार। तो गाइस जीरो पॉइंट विजिट करो, कम खर्चे में सारे रेडी हो जाएंगे यार, बहुत औसम है, बहुत औसम है। गर्मी पहनने के लिए क्या कपड़ा अलग है? ये कोकून का कीड़ा है जो हम मई जून में इधर पालते हैं, फिर वो मुंह से तार दे, साल में बनता है 3। अच्छा चलो ठीक है, इसको साइड लगाओ। कपड़ा महंगा है ये वाला, ये सबसे महंगा। ठीक है चलो साइड लगाओ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो ये सब आप लोग बनाते हो या कारीगर बनाता है और आपसे बेचते हो? कारीगर भी बनाता, हम भी बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, घर के लोग बनाते हैं। चार महीने आप लोग यहाँ पे धंधा होता है, सही बात है। तो फिर सेल कहाँ करते हो? 6 महीने बनाते रहते हो? 6 महीने दुकानदारों को आप देते हो, मगर उनसे हमको तुरंत पैसे नहीं मिलते। 1 लाख उधारी, 5000 दिया, 10 उधारी उधारी लाता है। ये 1800 का, ये 1800 का, ये तीनों 1100।